सब्सक्राइब कीजिए प्रदीप करोले को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट टेक्निकल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एरिया नेटवर्क्स के बारे में, लैन के मेन मेन पेन क्या होता है, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। आपको नाम से ही आइडिया होगा, पर्सनल मींस पर्सनली यूज के लिए इसको क्रिएट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लैन की, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करती है, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर के अंदर होती है। ये कोई कॉलेज की बिल्डिंग हो सकती है, कोई हॉस्पिटल की बिल्डिंग हो सकती है, या किसी कंपनी की बिल्डिंग हो सकती है, जिसकी रेंज 1 किलोमीटर के अंदर होती है। इसकी जो डिजाइनिंग में कास्ट आती है वो बहुत ही लो होती है, और इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो 1000 और 1000 मेगाबिट पर सेकंड के बीच में होता है, और ये IEEE के 802 स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। लैन को समझने के बाद हम बात करते हैं मेन की। तो मेन जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और एक ग्रुप होता है लैन का। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आपने किसी सिटी में एक ऑफिस खोला और फिर अलग अलग एरिया में उसी सिटी में आपके कंपनी की ब्रांचेस खोल दी, और उन ब्रांचेस में जो नेटवर्क वर्किंग में आ रहा है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। बट अगर इन सभी के सभी ब्रांचेस को हम ज्वाइन कर दें तो उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। ये एक सिंगल सिटी के अंदर होता है, ठीक है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क से कम एरिया को कवर करता है। इसके बाद बात करते हैं हम कैंपस एरिया नेटवर्क की, जिसे हम कैन कहते हैं। तो ये भी ग्रुप होता है लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का, बट इसकी शर्त ये होती है कि ये कैंपस के अंदर होना चाहिए। जैसे आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी होती है, कोई हॉस्पिटल होता है, या कोई कॉरपोरेट ऑफिस होते हैं, तो जो कॉलेज बिल्डिंगें होती है अलग अलग डिपार्टमेंट की, मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, अलग अलग डिपार्टमेंट की, जहाँ लैन वर्क करते हैं और ये कैंपस के अंदर होते हैं, तो इन सबको ज्वाइन करने के बाद जो नेटवर्क बनता है उसे हम कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क के बाद हम बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की। तो ये लार्ज जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ होता है, और इसकी जो रेंज होती है 100 किलोमीटर से अबव होती है। ये कंट्री टू कंट्री या स्टेट टू स्टेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसका जो उदाहरण है टेलीफोन लाइन, लिस्ट लाइन, सेटेलाइट, ये सब इसके उदाहरण है। इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो लो होता है लैन की तुलना में, 64 किलो बिट पर सेकंड से लेकर 10 मेगाबिट पर सेकंड के बीच में होता है, और ये IEEE के ITU स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। और इसका जो कास्ट होता है बहुत ही हाई होता है, क्योंकि इसको डिज़ाइन करने में डिफरेंट टाइप के कनेक्टर केबल्स का यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने एरिया नेटवर्क्स के बारे में जाना। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।